हेलो स्टूडेंट्स, मेरा चैप्टर वन एक्सरसाइज 1.2, इसका क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। तो बेटा, आपको एक बात ज़रा जेन नशीन करवानी थी कि जब भी कभी आप इन लेक्चर्स को देख रहे हो तो आप हैंड फ्री का यूज़ कर लिया करें अगर मोबाइल में देख रहे हैं, ताकि आप तक मेरी जो आवाज़ है, अगर मैं फिर सवाल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो वो आप तक बाकायदा अच्छे तरीके से पहुँचनी चाहिए। क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं, अगर आप उसको सुनेंगी नहीं अच्छे तरीके से तो वो आपको ज़ाहिर है सवाल को सॉल्व करने में रुकावट का बाइस बनेंगी। तो इस सवाल को आप देखें ज़रा, यहाँ से आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर, यानी समझ लें कि ये 6, 7 से ऑनवर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आगे 6, 7, 8, 9 और 10। तो 6 वाला जो है वो तो जस्ट आपका जो सिंपल पिछले सवालों की तरह ही था। आप अगर उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इससे पिछली वीडियो आप देख सकते हैं इसी की 1.2 एक्सरसाइज की, तो वो मैंने छोड़ दिया आपके लिए, जस्ट वो आप खुद कर सकते हैं। लिहाजा क्वेश्चन नंबर 7 देखें, ये आपको उसने एक दो स्टेप उससे पीछे कर दिया है। वो जस्ट कहता है पहले आप इसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तो फिर आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें। तो देखें यहाँ पर तो क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये इक्वेशन तो नज़र नहीं आ रही, तो जस्ट हम पहले इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ लेकर जाएंगे और उसको बनाने के लिए देखें दोनों नंबर जो हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में पाए जा रहे हैं और वो माइनस हो रहे हैं, तो इट मीन्स इन दोनों का क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप कि एलसीएम लेंगे। तो देखें ये एलसीएम लेंगे, ये मैचिंग करेंगे तो ये 3 ऊपर एक्स माइनस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 × x - 5 मैच हो जाएगा, तो x - 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वल टू 1। कुछ दोस्त सोच रहे होंगे कि ये सर ने क्या कर दिया है, तो देखें बेटा जब भी एलसीएम लेना है तो ये नंबर जब एलसीएम ले लेते, दोनों नंबर डिफरेंट है तो दोनों नीचे आ जाएंगे। ये वाला नंबर जब हम इसकी पहले बारी आती है तो ये नंबर इससे मैच करते हैं, तो देखो ये और ये मैच हो गया, समझ लें ये कट गया और ये वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इधर आएंगे तो देखें x - 5 से मैच हो जाएगा, x - 6 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों को आपस में, यानी कि ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कर दें इसको आप, तो देखें और साथ में हमें इस पूरे नंबर को उस तरफ ट्रांसफ़र 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखें ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3x - 3 5 = 15 -4x माइनस, और ये माइनस माइनस माइनस, ये क्या आ जाएगा? प्लस, और ये 24 आ जाएगा। इस सारे नंबर को मैं उस तरफ ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो देखें x - 6 × x - 5 1 से मल्टीप्लाई हो गया, समझ लीजिए। अब आप इसको भी मल्टीप्लाई करें, इधर से देखें अगर कोई मज़ीद सिंप्लीफिकेशन हो सकती है तो वो कर दे। देखें ये 3 और ये 3, ये 4 है, तो यहाँ से एक माइनस एक्स आ जाएगा, ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं, 24 और ये 15, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? बाकी देखें ये 24 और ये, तो बाकी आपके पास 9 आ जाएगा प्लस का, क्योंकि देखें 24 में से हम -15 को माइनस करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। और इधर देखें तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स को जब दोनों से करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और एक्स को 5 से करेंगे तो -5x आएगा, जब ये 6 से करेंगे तो -6x माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 30 आ जाएगा, यानी 6 × 5 = 30। अब आप ख्याल करें ज़रा, यहाँ पर भी ये दोनों देखें नंबर सेम है, तो अब मैं इन दो नंबर्स को भी उधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, साथ में इन दोनों को प्लस भी कर लेते हैं, ऐसे कर लें, या एक स्टेप और इसका हम मज़ीद बढ़ा लेते हैं आपकी सहूलत के लिए। देखें ये दोनों -11 हो जाएंगे, +30। तो अब इस पूरे नंबर को आप उधर एक्स स्क्वायर की तरफ लेकर जाएं, तो ये देखें पहले ही एक्स स्क्वायर तो बना हुआ है, -11x ये वाला उधर है, तो ये वाला जब उस तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा एक्स, और उस तरफ +30 है, ये उधर जाएगा तो 9 माइनस हो जाएगा, उस तरफ बाकी इक्वल टू 0 रह जाएगा। तो ये बेटा जस्ट मैं इक्वेशन को सिंपल कर रहा हूँ, सिंपलीफाई कर रहा हूँ, और इसमें कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है जो आप समझ रही हो। देखें ये लाइक टर्म्स थी, ये एक एक्स इसमें से माइनस हो गया, बाकी -10 रह गए। यहाँ पर देखें तो ये -9 था और ये 30 में से ये 9 निकल जाएगा तो 21 रह गया। यहाँ तक आपकी ये देखिए इक्वेशन बनी है। तो बेटा यहाँ से अब आप इसका देख लें कि यहाँ एक्स की ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी आ चुकी है, यानी x² - 10x bx है प्लस c है, तो इट मीन्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू को आप सपोज कर लें, a = यहाँ 1 है, b = देखें ना -10x है, तो b = -10 एंड c = 21 है। तो हम यहाँ पर इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला को मैंशन करते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है आपका।
एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ए। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस पहले ही बाहर है तो माइनस टेन हो जाएगा। देखे ना बी की वैल्यू माइनस टेन है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस टेन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू फोर ए सी। ए सी क्या, ए इज इक्वल टू वन है, सी इज इक्वल टू ट्वेंटी वन। देखें बेटा जस्ट सी आपके पास ये है, ए इज इक्वल टू वन है, तो टू ए ए इज इक्वल टू वो भी आपके पास वन है। एक्स इज इक्वल टू क्या, देखें माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा टेन, प्लस माइनस अंडर रूट आप इस टेन का स्क्वायर खोलेंगे तो हंड्रेड हो जाएगा, माइनस ट्वेंटी वन को आप इस फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें फोर वन ज़र फोर, फोर टू ज़र एट, एटी फोर आ जाएगा माइनस का डिवाइडेड बाय टू। तो बेटा यहाँ से इन दोनों को आप अगर माइनस करते हैं तो मेरे पास जो आ रहा है देखिए टेन प्लस माइनस अंडर रूट सिक्सटीन आ जाएगा डिवाइडेड बाय टू इक्वल टू एक्स। तो ये बेटा देखें सिक्सटीन जो है वो कंप्लीट स्क्वायर है, किसका कंप्लीट स्क्वायर है, प्लस माइनस ये फोर का कंप्लीट स्क्वायर है डिवाइडेड बाय टू। ये तो एक्स का आंसर जी नहीं आया अभी, ये देखें सिक्सटीन का कंप्लीट स्क्वायर फोर निकला है। तो इसके बाद आप क्या करें, इसको एक नंबर आप x इज इक्वल टू टेन प्लस फोर डिवाइडेड बाय टू, यानी एक मैंने प्लस के साथ लिख लिया है और एक नंबर मैं यहां से लिख रहा हूं x इज इक्वल टू टेन माइनस फोर के साथ। देखिए ना ये प्लस माइनस था, तो प्लस फोर एक बार लिख लिया, एक बार ये मैंने माइनस फोर लिख लिया। तो यहां से आप दो आंसर्स निकालें, देखें यहां से आ जाएगा फोर्टीन बाय टू यानी इक्वल टू सेवन आया यहां से, देखें ना टू टू से कट जाएगा तो सेवन, यहाँ से एक आपका समझ लिया आंसर आ गया और एक आंसर यहाँ से क्या आएगा सिक्स डिवाइडेड बाय टू, तो यहाँ से आपका आंसर जो आएगा वो थ्री आ गया। तो बेटा आप इसका सलूशन सेट क्या देंगे कि एक तो सेवन है और दूसरा थ्री, ये आपका आंसर आ गया। तो बेटा ये इसका पार्ट फोर है, इसी एक्सरसाइज का एट्थ पार्ट है। इसमें देखें वो भी दो फ्रैक्शंस दे दिए हैं, तो इसको भी आप सबसे पहले तो एलसीएम ले लें आप इसका, यानी 2x इंटू एक्स माइनस वन इसका एलसीएम आ जाएगा। और यहाँ पर देखें x माइनस वन से मिल गया, 2x ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 2x इंटू एक्स प्लस टू, और माइनस देखें यहाँ पर 2x मिल जाएगा, x माइनस वन आप 4 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। जस्ट सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगी तो फिर हम इसे आगे करेंगे। और इन इसकी फ्रैक्शन को तोड़ना, ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो देखें इसका इस तक टेबल पड़े थ्री टू ज़र सिक्स और ऊपर वाला इसमें मिक्स प्लस कर दें, देखें थ्री टू ज़र सिक्स और एक ये सेवन बाय थ्री आ जाएगा। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, देखें टू एक्स को इससे करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा और टू टू ज़र फोर एक्स हो गया। अब यहाँ माइनस है तो अभी आप इसकी ब्रैकेट को मत खोलें क्योंकि माइनस बाद में अंदर खुलेगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइन फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर, देखें ना माइनस वन को इससे किया तो माइनस फोर आ गया, माइनस माइनस प्लस एक्स आ जाएगा डिवाइडेड बाय टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू सेवन बाय थ्री आ गया। अभी आप इस माइनस को खोलें जरा अंदर और देखें साथ में इन दोनों को हम प्लस भी कर लेते हैं, तो देखें टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस, ये देखें बेटा फोर एक्स ये एक ये फाइव एक्स हो जाएगा और ये माइनस फाइव एक्स हो जाएगा क्योंकि ये दोनों प्लस के होंगे, ये एक्स प्लस का माइनस का तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस फोर प्लस का हो गया, ये जब माइनस अंदर खुलेगा तो डिवाइडेड बाय 2x into x minus 1 and equal to 7 by 3। अब आप यहाँ पर भी ज़रा सिंप्लीफिकेशन देख लें, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर सेम टर्म्स हैं तो लिहाजा ये 3x स्क्वायर हो गया, यहाँ से और कोई 4x और ये एक एक्स आपके पास रह जाएगा क्योंकि ये 5x और ये वाली नंबर एक है और 4 एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ से 2x into x minus 1 equal to 7 by 3 आ जाएगा। अब इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है, यानी यहाँ तक तो ये कंप्लीट हो चुका लेकिन अभी ये देखें ना अभी इसकी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आई हमारे पास, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी थ्री को इससे और सेवन को इस नंबर से करेंगे। देखें थ्री इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये इस तरह से लिखी जाएगी,
सॉरी 4 है ये, इक्वल टू 7 को जब इससे करेंगे मल्टीप्लाई 7 इंटू 2x इंटू x माइनस 1, तो देखें ये 3 3 9, 9x का स्क्वायर, इसको इससे किया तो 3x, 3 4 12, इक्वल टू 7 इंटू 14, 14x बेटा ये अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये 14 को इससे करेंगे तो माइनस 14x आ जाएगा। अब आप ऐसा करें, देखें ना एक्स स्क्वायर वाली छोटी वैल्यू इस तरफ है, बड़ी इधर है, तो आप ये वाली सारी वैल्यू को उस तरफ ट्रांसफ़र कर दें, तो देखें उस तरफ क्या है 14x स्क्वायर, ये वाली उधर जाएगी तो माइनस 9x स्क्वायर हो गया। उसके बाद माइनस 14x तो उस तरफ ही है, इधर से ये 3 गया तो उधर प्लस हो गया 3x स्क्वायर, 3x, और 12 भी उधर चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और उस तरफ बाकी 0 रह जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे जस्ट इसमें से, देखें 5x आपके पास आ रहा है 5x स्क्वायर, और ये दोनों भी सेम टर्म्स हैं तो यहाँ से आपके पास 11x स्क्वायर आ रहा है, सॉरी 11x आ रहा है, स्क्वायर नहीं आ रहा है बल्कि, और ये वाला नंबर आपके पास 0 एज इट इज़ रहेगा। तो बेटा यहाँ तक तो देखें आपने बस जस्ट अभी इसे सिंप्लीफाई किया, तो अभी इस पर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है, तो वो हम अभी नेक्स्ट पेज पर करते हैं। तो देखिए ना ये हमारे पास इसकी इक्वेशन थी, वो मैं इधर इस पेज पर लिखता हूँ कि 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12 इक्वल टू 0, यहाँ से a मेरे पास आ जाएगा, देखें ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है, a इज़ इक्वल टू 5 है, b इज़ इक्वल टू माइनस 11 है, एंड c इज़ इक्वल टू माइनस 12 है। तो वी नो डैट डेट x इज इक्वल, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है कि माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, देखें माइनस बी पहले ही माइनस 11 है, बी की वैल्यू माइनस 11 है, तो वो आप अंदर उसको लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 4 ए, ए क्या है 5 है, सी क्या है आपके पास वो माइनस 12 है, 2 इंटू ए, ए बेटा क्या है 5 है। अब आप इनको देखें जो सिंप्लीफाई करना है हमने, ये माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया ना 11, और यहाँ से 11 का स्क्वायर खोलेंगे तो 121 आ जाएगा एज इट इज़, और ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई तीनों को करेंगे, देखें 5 4 20, 20 को हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 20 इंटू 12, तो 20 इंटू 12 करेंगे तो आपके पास 240 आ रहा है, 240 डिवाइडेड बाय आपके पास 10 हो गया, तो यहाँ से ये देखें दोनों प्लस माइनस, ये दोनों आपके पास प्लस हो के कितना आ रहा है 240 के अंदर मैं प्लस करता हूँ 121, तो ये मेरे पास आ रहा है 361 डिवाइडेड बाय 10। तो बेटे देखें ये किसका अंडर रूट है, 361 जो है वो हमारे पास आई थिंक 19 का अंडर रूट कंप्लीट आ गया है, ये देखें ये 19 का अंडर रूट है, अगर आप इसको लेंगे तो ये हमारे पास एक्स आया अभी, लेकिन ये देखें ना डबल वैल्यू है प्लस माइनस 19, तो यहाँ से हम दो वैल्यूज़ बना लेंगे इसकी, एक्स इज इक्वल टू 11 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 10, कॉमा लगा के एक्स इज इक्वल टू 11 माइनस 19 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ से देखें बेटा ये अगर आप करते हैं तो 30/10 हो जाएगा, और एक्स इज इक्वल टू यहाँ से तो 3 आ गया, जबकि यहाँ पर देखते हैं तो दोनों देखें माइनस हो रही हैं, 11 में से अगर आप माइनस 19 करते हैं तो आपके पास 8 आएगा, 8/10 आ रहा है, 2 पे अगर आप इसे यहाँ से कैंसिल करते हैं तो देखें 4/5 आपके पास माइनस में आ रहा है, तो आप इसका सलूशन सेट क्या देंगे -4/5 and 3, ये आपके पास दो इसके आंसर्स आ गए। तो बेटा यहाँ तक तो क्वेश्चन नंबर हमने तकरीबन 7 and 8 किया है, तो नेक्स्ट जो दो पार्ट्स हैं 9th और 10th पार्ट वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें ये देखें ना काफ़ी ज़्यादा टाइमिंग होती जा रही है वीडियो की, तो देखें ये 9th और 10th जो है ना ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखें अक्सर मैंने मार्क भी बच्चों को करवाए होते हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सॉल्व करता हूँ, तो आप वो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही नई वीडियो आती रहे वो आप तक बग़ैर किसी हिचकिचाहट के बग़ैर किसी रुकावट के आप तक पहुँचती रहे। ओके, यहाँ तक के लिए खुदा हाफिज़।